एनडीए एस्पिरेंट या तो क्लास 12th अपीयरिंग है या जस्ट उसने क्लास 12वीं पास करी है, अभी उसको दुनियादारी की बहुत ज्यादा समझ है नहीं, बिकॉज उसका एक्सपोजर बाहर की दुनिया से बहुत ज्यादा हुआ नहीं है। जब बच्चा 12वीं पास करता है, सोचता है यार मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करूंगा, इस सपने को पूरा करने के लिए मुझे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की नीड पड़ेगी, तो अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट खोजना शुरू करता है। जब वो मार्केट में जाता है, ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट की काफी हैवी फीसेस है, हमारी भी काफी हैवी फीस है, बिकॉज ऑफलाइन इंस्टीट्यूट के खर्चे ही बहुत ज्यादा है, तो उसे रिस्पेक्ट से फीस भी बढ़ जाती है। लेकिन वो जो पैसा है, पहली बात तो उस बच्चे ने खुद अभी कमाया नहीं है, टोटल का टोटल पैसा उसके माँ बाप का है। माँ बाप भी ये सोच रहे हैं कि भाई साहब मैं एक अच्छी जगह बच्चे को पढ़ाऊंगा ताकि मेरे बच्चे का सपना पूरा हो सके, वो नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कर सके। लेकिन बहुत सारी चीजें बच्चे के साथ काफी गलत होती है, उसको अलग अलग लेवल पे बेवकूफ बनाया जाता है, उसको समझ में भी नहीं आता है कि कब वो बेवकूफ बन गया है। आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि भाई साहब जब भी आप एक ऑफलाइन कोचिंग सर्च कर रहे हैं तो किन किन चीजों का आपको इन जनरल ध्यान रखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि LWS कोचिंग आओ, यहाँ पे भाई सब कुछ बेहतरीन है, आपका जहां दिल करे वहां जाओ, बस कुछ बातों का ध्यान रखो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट से पूछो जिनके आंसर मिले तभी वहां पे एडमिशन लो। आज की डेट में क्या है ना, कंटेंट नहीं बिक रहा है, मतलब लोग कंटेंट नहीं देखना चाह रहे हैं, लोग सोशाबाजी में ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, और खास तौर से एनडी में, बिकॉज एनडी में एडमिशन बच्चा लेता है, पेरेंट्स नहीं एडमिशन करा रहा है, बच्चा एडमिशन अपनी मर्जी से ले रहा है। तो बच्चा यूट्यूब पे अलग अलग जगहों पे देखता है, उसको लगता है यार ये कोचिंग थोड़ी सी फैसिनेटिंग लग रही है तो यहां पे चल लेते हैं, ये अच्छी रहेगी, लेकिन उसको पता नहीं कि कहां पे उसका किस लेवल पे बेवकूफ बन रहा है। तो भाई साहब मैं आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे आज बताऊंगा, प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, सारे पॉइंट्स पे आप सोच समझ के कहीं भी एडमिशन लेना, बहुत मेहनत का पैसा होता है। मैं जानता हूं किस तरीके से पैसा कमाया जाता है, उसी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हम भी बिलोंग करते हैं, ठीक है, आज तो चलो चीजें सुधर गई है, बट हमारे माँ बाप ने ऐसे सपने देखे थे, ऐसे में कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया था, भगवान का शुक्र है कि सब कुछ बढ़िया रहा और आज आपके सामने हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है जी, ध्यान से सुनना, वीडियो को एंड तक देखना, समझ में आए तो यारों दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। चलो सबसे पहले तो जिस भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट को चूज करते हैं तो कुछ आपके बेसिक क्राइटेरिया होने चाहिए। क्या क्या बेसिक क्राइटेरिया है? सबसे पहला क्राइटेरिया आता है रिजल्ट, कि उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का रिजल्ट क्या है। रिजल्ट में भी सिलेक्शन रेशियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको यह पता होना चाहिए कि अभी तक कोचिंग इंस्टीट्यूट कितने बच्चे पढ़ा चुकी है और उसमें से कितने सेलेक्ट हुए हैं। सिलेक्शन रेशियो, हमने हमेशा बोला है कि हमारा सिलेक्शन रेशियो 20% है, तो आपको पता होना चाहिए किसी भी कोचिंग का सिलेक्शन रेशियो कितना है। क्या ऐसा तो नहीं है कि यूट्यूब के बच्चे को अपना बच्चा दिखा दिया जा रहा है, या फिर ऑनलाइन के बच्चे को ऑफलाइन दिखा दिया जा रहा है, या कुछ भी इस टाइप का। भाई ऑफलाइन में कितने पढ़ा है, उसमें से कितने सेलेक्ट हुए, ये सिलेक्शन रेशियो जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम गोज विद ऑनलाइन, जब आप ऑनलाइन में पढ़ रहे हो तो ऑनलाइन में पिछले बार कितने पढ़े थे, इस बार कितने सेलेक्ट हुए। YouTube की तो कहीं कोई काउंटिंग नहीं है, बिकॉज वहां पे कभी कोई बच्चा गिना ही नहीं जा सकता। तो सिलेक्शन रेशियो एंड रिजल्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है, सबसे पहले वो जानिए, एंड ये जानने की कोशिश कीजिए कहीं वो फेक तो नहीं कर रहे हैं, क्या सच में इतने सिलेक्शन हुए हैं। तो पेरेंट्स हो चाहे बच्चों, सबसे पहले सिलेक्शन रेशियो पे जाइए। मैं LWS के सिलेक्शन रेशियो हमेशा बोलता हूं, चाहे SSB हो चाहे रिटर्न हो, अराउंड 20% हमारा सिलेक्शन रेशियो रहता है, और मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि इंडिया में अब तक सबसे हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो मेंटेन है, इससे ज्यादा अच्छा सिलेक्शन रेशियो अभी दे नहीं रहे लोग। ठीक है, क्या क्या फैसिलिटीज है। फैसिलिटी में सबसे पहले आपको टीचर्स देखने होंगे, कौन कौन टीचर वहां पे पढ़ा रहे हैं, क्या सारे टीचर एक्सपीरियंस्ड है, क्या उनको उन्होंने कभी पहले एनडीए पढ़ाया है, एक्सपीरियंस है उनको, कितने बच्चे उन्होंने एनडीए पढ़ाया, कितने साल से वो एनडीए पढ़ा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई एक ही टीचर है बस जो एनडीए जानता है, बाकी कोई जानता नहीं है। मतलब ओवरऑल आपको तो कंप्लीट, मतलब भाई 10 सब्जेक्ट होते हैं एनडीए में, तो 10 के 10 टीचर आइडियली ऐसे होने चाहिए जिसको कुछ एक्सपीरियंस हो एनडीए के फील्ड में, तभी तो उतना वर्थ इट बनेगा ना। तो सबसे पहले तो देखो कि कंटेंट क्या मिल रहा है, कौन टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज आप देखो फैसिलिटीज क्या क्या दे रहे हैं, क्या हॉस्टल है या पीजी को ही हॉस्टल बना दिया जा रहा है। ध्यान से समझने की कोशिश करो, जैसे हम अपना हॉस्टल चलाते हैं, हॉस्टल वर्सेस पीजी में दिल्ली में फर्क होता है। हॉस्टल एक ऐसी बिल्डिंग होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ, मतलब जैसे मैं बोलूं LWS का हॉस्टल है तो उसमें सिर्फ LWS का ही बच्चा रहेगा, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी LWS ही मेंटेन करेगा, कोई बाहर का बच्चा वहां पे नहीं आ सकता। यहां पे क्या है, दिल्ली में पीजी सिस्टम चलता है, पहले हमारे
हमारे पास ये पीजीज हुआ करते थे, हमने पीजी से टाइप कर रखे थे, हमारा बच्चा आया हमने पीजी में भेज दिया, बट उस पीजी में दूसरे कोई बच्चा भी आ सकता है, कोई नीट की तैयारी करने वाला भी रह सकता है, कोई जॉब करने वाला भी रह सकता है, पीजी तो पीजी है, आप कहीं भी आ सकते हो। जब आप एक हॉस्टल क्रिएट करते हो तो बहुत सारी पोस्टिंग अलग तरीके से क्रिएट होती है। जैसे हमने अपना हॉस्टल बनाया तो हमने बंक बेड बनाए थे, ठीक है, पिछली बार थोड़ी सी वेंटिलेशन के इशू हुए उसमें, आई डू एग्री, बट दैट इज कंप्लीटली हॉस्टल। उसमें बच्चा सारा का सारा डिफेंस एस्पिरेंट है, बच्चा थोड़ा सा नाखुश था पिछली बार हमारे यहाँ पे कि सर मतलब वेंटिलेशन इश्यूज है, लेकिन अल्टीमेटली उसी हॉस्टल ने रिजल्ट दिए, बिकॉज सारा का सारा बच्चा एक माहौल में रह रहा है। वो माहौल बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक आप सिर्फ और सिर्फ डिफेंस के माहौल में नहीं रहोगे तब तक सिलेक्शन लेना कंपेरेटिवली डिफिकल्ट है, बिकॉज बच्चा ऑफलाइन में उस माहौल के लिए ही आ रहा है। पीजीज अलग चीज होती है, जैसे कोई भी फ्लैट है, कोई भी घर है, मैं बोलूं कि अब मेरा हॉस्टल है या मेरा पीजी है, ये क्या होता है उसमें? भाई वो एक पीजी है, वहां पे कोई भी रह सकता है, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। हॉस्टल एक वो एंटिटी होती है जिसमें कंप्लीट कंट्रोल किसी एक इंस्टीट्यूट का ही होता है, तभी वो हॉस्टल बोला जाता है, वरना इट इज अ पीजी टाइप। LWS ने बहुत पीजी टाई अप करे, उसके बाद अल्टीमेटली हॉस्टल मॉडल पर शिफ्ट करा। आज भी पेरेंट पूछते हैं तो वो क्लियरली बताते हैं कि सर आपके पास दो ऑप्शन है, आप हमारे साथ हॉस्टल में रह सकते हो, आप हमारे साथ पीजी में रह सकते हो, दोनों में खर्चा सेम आएगा। हॉस्टल में रहोगे तो कंपेरेटिवली डोरमेट्री टाइप सेटअप देंगे, अगर आप पीजी में रहोगे तो शायद उतने पैसे में आपको डबल रूम या ट्रिपल रूम वाला कमरा मिल जाएगा, लेकिन वो पीजी है, कोई जिम्मेदारी नहीं हमारी, वहां पे सेफ्टी सिक्योरिटी आप जानो। एक आप ऐसा मान लो कि आपने बच्चे को एक फ्लैट में डाल दिया है, बच्चा वो रह रहा है, खुद से मेंटेन करना है, हॉस्टल की सारी जिम्मेदारी हमारी है, हम देखेंगे सेफ्टी सिक्योरिटी एंड ऑल। तो पॉइंट इज इन सब चीजों के बारे में लोगों को पता ही नहीं है, गाइडेंस ही नहीं है कि भाई ओवरऑल किस टाइप से बच्चे को सेलेक्ट करना चाहिए। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको चेक जरूर करनी है, क्या क्या फैसिलिटीज एक्चुअल में दी जा रही है, हॉस्टल और पीजी में डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। तीसरा है सेफ्टी सिक्योरिटी क्या है, जैसे कि सपोज करो जैसे मैं दिल्ली में अभी हम है, बाई चांस किसी बच्चे को खुदा ना खास्ता तबियत खराब हो जाए, तो भाई साहब इंस्टीट्यूट कहां पे लोकेटेड है, क्या आसपास ऐसी फैसिलिटीज है कि बच्चे कुछ हो तो 5 मिनट में 10 मिनट में किसी इमरजेंसी में कहीं कुछ मतलब एडमिट कराया जा सके। अब समझ रहे हो, ऐसा तो नहीं कि इंस्टीट्यूट कहीं जंगलों में जाके है, वहां तक अगर शहर पहुंचना है तो भी 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, तब तक क्या हालत हो सकती है। पिछली बार हुआ था एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है, तो एक्सीडेंट होते विद इन 5 मिनट्स वो बच्चा हॉस्पिटल पहुंच गया और वहां से सीधा मतलब आईसीयू में उसको एडमिट कराना पड़ा। अल्टीमेटली सब कुछ सही हो गया, उसका वो अटेम्प्ट तो खराब हो गया, उसका लास्ट अटेम्प्ट था, लेकिन उसकी जान तो बच गई। तो सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है कि बच्चा जहां पे रह रहा है वहां पे सेफ्टी सिक्योरिटी कैसी है, मेडिकल असिस्टेंस कैसी है, बिकॉज बच्चा बहुत अलग अलग जगहों से शहर में आके रहता है, तो भाई साहब उसके लिए सब कुछ मैटर है। हमने इस चीज को और अपग्रेड इस बार करा है, हम डॉक्टर से टाई अप कर रहे हैं, ऑनलाइन गाइडेंस ही बच्चा ले सकता है चाहे तो, और नजदीक आसपास में जा सकता है, ये चीजें बहुत मैटर करती है। अगर कोई भी इंस्टीट्यूट जाके जंगलों में बना होगा तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरा करना कंपेरेटिवली मुश्किल हो जाएगा, तो आपको ये देखना है कि ये बेसिक एमिनिटीज कितनी कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट दे रहा है। दूसरा, इन जनरल कोचिंग की हिस्ट्री क्या है, कब कोचिंग एस्टेब्लिश हुई थी, तब से उसने आज तक क्या कर लिया है, मतलब थोड़ा सा ये सब कैलकुलेट करो कि भाई मतलब एज ऑर्गेनाइजेशन एज कंपनी कोचिंग कब से चल रही है, क्या उसका एक्सपीरियंस है, तब भी ये सब चीजें, क्योंकि आज के डेट में हर किसी के चाहे कोई नई कोचिंग हो पुरानी कोचिंग हो फीस सबकी लगभग सेम ही हो जाती है, मेरी बात समझ रहे हो। तो आपको सब कुछ देखना है कि भाई ओवरऑल क्या एस्टेब्लिशमेंट है, क्या हिस्ट्री रही है। लास्ट पॉइंट मेरी तरफ से है टेक्नोलॉजी, कि भाई साहब टेक्नोलॉजी का कितना यूज करा जा रहा है, मतलब कि जैसे मैं बताता हूं बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा ना क्लास में आ नहीं पाता है, जब बच्चा क्लास में नहीं आ पा रहा है तो उसकी वजह से दिक्कत ये हो जाती है कि भाई उसकी क्लास छूट गई, तो उसका रिकॉर्डेड बैकअप हमने सोचा कि देंगे कि बाई चांस अगर बच्चा क्लास में नहीं आ पाया, उसकी तबीयत खराब है, उसका पेपर है, कुछ भी है, तो उसका रिकॉर्डेड बैकअप दिया जाए, हो सकता है इसका कोई और बेटर सोल्यूशन भी हो, लेकिन अभी तो हम क्लास का रिकॉर्डेड बैकअप दे पा रहे हैं बच्चों को, तो टेक्नोलॉजी को यूज करके हमने हाइब्रिड प्रोग्राम बना दिए कि भाई ऑफलाइन चल ही रहा है, साथ साथ अगर तुझे समझ में ना आए तो इसका रिकॉर्डेड बैकअप भी तुझे मिल जाएगा, तो वहां से देख लियो, हो सकता है इसमें और कुछ बेटर हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं यही अल्टीमेट है, हो सकता है इससे बेटर भी कोई फैसिलिटी मिल जाए, लेकिन आज मेरे दिमाग में इतनी फैसिलिटी आ रही है कि अगर आपको कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, मेरा करो किसी और का करो, बट बेसिक पैरामीटर्स आपको पता होना चाहिए। मेरी कोशिश यह है कि अल्टीमेटली जो भी कॉम्पिटिशन हो अमंग कोचिंग इंस्टीट्यूट, वो कंटेंट पे होना चाहिए, कौन अच्छा पढ़ा रहा है उसके पास बच्चा जाए, ना कि ओवरऑल सोशियाबाजी और ये सब चीज। ये मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है, पेरेंट्स के लिए भी बच्चे के लिए भी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई हो, पसंद आए तो जरूर आप लाइक शेयर करना, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट बच्चे,
जय हिंद, जय भारत।